महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मराठा समाज शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करते समय अचानक से पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था, ऐसा आरोप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP शरद पवार गट के नेता अनिल देशमुख ने लगाया। देशमुख ने यह तक कह डाला कि कोई भी SP ऐसा कदम खुद होकर नहीं उठा सकता जब तक उसे ऐसे आदेश मंत्रालय से ना मिले हो। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच एक निवृत्त न्यायाधीश ने करने की मांग अनिल देशमुख ने की। जालना में जो हमारे मराठा बांधव है उनके ऊपर जो अमानुष तरीके से जो लाठी चार्ज हुआ है उसका मैं निषेध करता हूँ। मैं महाराष्ट्र का गृहमंत्री था और मेरी जानकारी के हिसाब से मंत्रालय से गृह खाते से फोन जाने के बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज चालू हुआ है। कोई भी जालना जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद होके इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक उसको ऊपर से आदेश ना हो तब तक ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरी जानकारी है। तो ऊपर से फ़ोन जो मंत्रालय से फ़ोन जो गृह विभाग से जो फ़ोन आया था इसके बारे में इसकी जांच होना चाहिए। निवृत्त न्यायाधीश जो है उसके जरिए से जाँच होना चाहिए, तभी मंत्रालय से किसने फ़ोन किया था ये बात सामने आएंगी। असं आहे, सर्व दुनियाला माहीत आहे, सर्वांना माहीत आहे। आता प्रफुल्ल पटेल साहेब आमच्या पक्षात होते, वरिष्ठ नेते होते, एकाएक नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचं गुणगान गाणं चालू आहे। आणि तरी पण पवार साहेब आमचे दैव होते। अरे पवार साहेबांना या 83व्या वर्षी तुम्ही असा त्रास देताय ज्यांनी तुम्हाला एक लहानाचं मुठं केलं, अनेक पदं दिलेत, अनेकदा राज्यसभेवर पाठवलं, आणि अशा आपल्या या दैवताला 83 वर्षाच्या बापाला आपण या वयामध्ये त्रास देता। त्यांनी जो राष्ट्रवादी पक्ष जो पवारसाहेबांनी स्थापन केला होता महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर वाढवला होता तो पक्षसुद्धा त्यांच्याकडनं इसवून घेण्याचा प्रयत्न तुम्ही करतायत, ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे। मला एक समजत नाही की 28 पक्षाचे नेते एकत्र येतात, 2 दिवस तिथे चर्चा करतात, चर्चा करून अनेक निर्णय घेतात, अनेक सब कमिटीज आहेत, सब कमिटीचं गठन केलं आहे तिथे की या सब कमिटीजनी ज्या काही तिकीटच्या बाबतीत ज्या तिकीट शेअरिंगच्या बाबतीत चर्चा करायची असे अलग अलग सब कमिटीजच्या तिथं गठन झालेलं आहे। आणि अशा पद्धतीनं असताना आता आपली भूमिका बदलल्यामुळे अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट करणं हे योग्य नाही। सर्वांना माहीत आहे या 28 पक्षाच्या जी बैठक इंडियाची झाली त्याचा धसका भारतीय जनता पार्टीनी घेतलेला आहे, आणि म्हणून अशा पद्धतीचं काहीतरी लोकांची दिशाभूल करण्याचं वक्तव्य काही नेत्यांकडनं होत आहे याची सर्वांना कल्पना आहे।